तो अभी हम पहले वहाँ पे थे उधर, वहाँ पे चले, लेकिन वहाँ पे पता है वो ज्यादा खड़ा था, तो हम अभी इस रास्ते से जाएंगे। ये चैलेंजिंग तो होने वाला है, लेकिन उतना लेकिन उसमें पकड़ने के लिए जगह होगी। इधर से जाने का रास्ता कहाँ है? ये ज्यादा हो गया, जैसे यहाँ पर रास्ता खत्म हो चुका है। इधर से चलें, अब हम साइड से इधर से चलें या इधर से चलें? इधर से चलते हैं। गाइस कमेंट कीजिए जिधर से आप बोलेंगे उधर से चलें। उसको दिखा मैं एकदम पहाड़ के ऊपर बना हूं, एकदम छोटा सा मंदिर टाइप नहीं, मस्त नीचे भी उतर सकते। मैं बोल रहा हूं तू इधर से उतरे, मैं उधर से उतर। हां देखते हैं कौन सही उतरता। नहीं मेरे को उसे में ठीक लग रहा है रास्ता। देखते हैं इन दोनों में से पहले कौन पहुंचता है। दोनों ने अपनी अपनी चॉइस का रास्ता चूज किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं विष्णु जीत रहा है, तो मैं भी विष्णु वाले रास्ते को फॉलो करूंगा। ये तपन आ गया इधर से, देखो सेफ रास्ते से चले। देखो ये भरूट वन सेकेंड, इसको निकाले क्या? हाँ ये भरूट, ओहो आज तो कुछ ज्यादा ही है। मैं इसको निकालने में भी नीचे ऐसे लगता है पूरा दिन ही लग जाएगा। मैं उस रास्ते से आया तो वहाँ पे ये मतलब देखिए कंपटीशन का परिणाम, वहाँ पे मेरे कपड़े खराब हो गए। ये आंकड़े का दूध है जो मेरे लगा हुआ है। थोड़ी निकलवा सकते हो तुम लोग भी? मैं भी निकल रहा हूँ। इसके अंदर बैठेंगे एलएनटी का ड्राइवर बन गया। देखो मैं अब मैं सोच रहा हूँ मैं ही गड्ढे खोदने का काम स्टार्ट कर लूँ। अच्छा तपन वाले में भी इतनी नहीं हिलती है ना, तेरे वाले में वीडियो थोड़ी हिलती इतनी नहीं उतनी भी नहीं। अपन चढ़ेंगे किधर से? आगे से क्या, यहाँ से डायरेक्ट नहीं? वाह वो पत्थर देखो, वो खतरनाक। इधर से चढ़ जाएंगे, चढ़ने का चलेंगे क्या? लेकिन उधर वो खाई वाई है, वो ज्यादा अच्छा लगेगा मेरे हिसाब से। उधर खाई वाई है क्या? छींक एक छींक अशुभ होती है, दूसरी छींक भी लो। अब हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, इसने एक छींक ले ली है। एक बार अपन ने वीडियो बनाई थी तब, विष्णु याद है क्या? बिल्कुल बलिकुल बलिकुल, ये जो हमारी लैंग्वेज है मारवाड़ी, तो वो मतलब काफी दुनिया की सबसे पुरानी लैंग्वेज है। उसकी जैसे हिंदी को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं, मारवाड़ी को कौन सी लिपि में लिखते हैं? पद्मावत लिपि में। पद्मावत लिपि में, पद्मावत लिपि। और ये ज्ञान हमको विष्णु ब्राह्मण ने दिया है। ओ यार ये खाई, उस पॉइंट पे चलेंगे, ये काफी ऊंचा। तपन कोई स्टोरी सुना? नहीं कोई स्टोरी सुना, सीनिया की स्टोरी सुना दे तेरे। कोई स्टोरी नहीं है मेरे पास। नहीं यार स्टोरी तो आदमी स्टोरी स्टोरी तो बहुत है मेरे पास। विष्णु के रूममेट की स्टोरी है। और वो बालक नहीं है, बालक नहीं मिन्नक है। विष्णु पहले था ऐसा और अब हो गया ऐसा। हम पहुंच चुके हैं हमारे नए पड़ाव पे, जो कि है एक गहरी खाई, उसके ऊपर से हम चढ़ेंगे और आगे का बोलो नीचे आगे का बोलो क्या मतलब हम, मैं तो ये पूछ रहा था क्या बोलेंगे, हम पहुंच गए और क्या, पहुंच गए चढ़ेंगे और क्या, कितने देर बताएंगे चढ़ेंगे, हम चढ़ रहे हैं, वापस चढ़ रहे हैं, चढ़े ही जा रहे हैं। नीचे होगी गहरी खाई और हम चढ़ेंगे पहाड़ पर। ठीक है अब हम यहाँ से चढ़ेंगे, हमको यहाँ पे पकड़ने के लिए कुछ मिल जाएगा, यहाँ पे पत्थर रहता है, लेकिन नीचे गिरने का खतरा होगा क्योंकि नीचे है खाई। खाई हमारे लिए प्रे करो। नहीं नहीं इतना भी नहीं, हम बच जाएंगे। पर एक मंदिर है जहाँ पे हम जाके भगवान के दर्शन करेंगे, जय माता दी। तो अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं इस चोटी पे, अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी गहरी है ये। हाँ कितना नहीं काट लेंगे, चलेंगे, ये काफी गरीब है। वाव ये रास्ता कितना मस्त लग रहा है, सांप के जैसा देख। अरे अरे यार स्क्विरल, स्क्विरल तो गिलहरी होती है। बहुत ही जोर आया चढ़ने में सच में।
पत्थर गिरेगा तो नहीं ना, गिर जाए तो मजा आ जाएगा। ये सबसे ऊंची चोटी वीडियो हो ना, गिर जाएगा तो फिर मतलब वीडियो मजा आ जाएगा, व्यूज आ जाएंगे। तो अभी अपन लोग वहां पे जा रहे हैं ना, उधर चलें क्या? Run. ये विष्णु वहां से क्या कर रहा है पता नहीं चल रहा, बस जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है। अब हम चढ़ेंगे। आउरो 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 यहाँ चढ़ेंगे हम ऊपर। तपन तू कांटा लेके, मैं निकला कांटा लेके। टिड्डा बोलते हैं ये, बहुत ही कुछ ये तो कुछ ज्यादा ही रंग बिरंग, वो अलग ही होते हैं नहीं। सीधी चट्टान से चढ़ोगे तो ये है एनिमेशन किंग राहुल। हाँ मेरे एनिमेशन देख के आप हो जाओ, मेरा एक सेकंड चैनल भी है उसको सब्सक्राइब करना ना भूले, इसको भूल सकते हो। ऐसे तो तू एकदम मुंबई कर लौंडा मेरे को लगा तू ऐसे कुछ और बोलने वाला। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं हमारे फाइनल पड़ाव पे, और हमने मतलब इतनी मुश्किल से ये जो खड़ी चट्टान है उसको पार कर लिया है। हम मंदिर में जाके मंदिर का घंटा बजा के आएंगे, बस इतनी चढ़ाई थी हमने चढ़ ली। हमने बीच में दो तीन जगह रेस्ट लिया क्योंकि काफी एग्जॉस्टिंग थी। मतलब विष्णु की एक स्टोरी है, रियल स्टोरी है। कभी भी शेडा निकल सकता है, कभी भी निकल सकता है, कभी भी नाक से निकल सकता है, इतना लंबा। विष्णु के शेडे को देख के ज्यादा लोगों को हंसी आती है उसके जोक से। क्या इतना बुरा, अपन चैलेंज ये कर सकते हैं कि इस कैक्टस के अंदर कौन गिरेगा, ऐसा कुछ। चलें फिर माता जी के मंदिर, काफी अच्छा है पर माहौल मतलब। हाँ मजा ही आ गया, सुबह सुबह से आके एकदम हरियाली में बैठना और एकदम धूप के नीचे मतलब धूप का सेक करना, जो भी काफी अच्छा फील होता है। ठंडी हवा, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस हमारा मेन गोल है राइट। तो इसलिए हम यहाँ पे आते हैं ना, तो यहाँ पे ऐसा होता है ना कि हम लोग तो शूट कर रहे हैं लेकिन ये हमारी हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा, हम पहले से भी आते थे। ठीक है तो फिर हम अब आगे चलते हैं, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते। ये मंदिर आ गया, चलो अंदर चलो, चप्पल तो खोल देना अपनी है ना। कैमरे के लिए घंटी बजा रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों। कुछ मन्नत मांग लो तुम भी। हमारी वीडियोस बहुत क्वालिटी बहुत हाई होती है, हम अपनी वीडियोस को खुद इम्प्रूव करें। चलो माता जी को प्रणाम भी कर लेते इस नाम पे।